हो गया है मेरे आई पर, तो अगर मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो उस ड्यूरेशन में मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। बेसिक मेकअप वीडियो आपको रिकॉर्ड करना आ गया है। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस फॉर अ सेकेंड। एंड जो बैकग्राउंड में कलर एड हो रहा है इज दैट पिंक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। Hi Wings, welcome to another episode of #AStalks, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं all the videos related to beginners, and आज हम जानेंगे कि how to shoot makeup videos. Like ये इतना ज़्यादा requested question है मेरे feed पे, and last video में मुझे comment में यही receive हुआ था, please हमें बताइए कि हम makeup videos कैसे record कर सकते हैं, कैसे अपना camera हमें रखना है, कैसे light हमें रखनी है. सो आई विल बी कवरिंग एवरी थिंग। लाइक ये जो वीडियो ये बेसिकली पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा जिसमें मैं लिरिकल वीडियोज बताऊंगी, बिकॉज अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर कर दूंगी तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक टू पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। लाइक एक होगा जहाँ पे मैं आपको बेसिक मेकअप वीडियोज रिकॉर्ड करना बताऊंगी कि आप कैसे मेकअप कॉन्टेंट बना सकते हैं, कैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सेकेंडली आई विल बी टेलिंग यू लिरिकल वीडियोज आप कैसे बना सकते हैं, बिकॉज उसमें ज्यादा समझाने का काम है, प्लस एडिटिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सो दैट विल बी इन पार्ट टू जो आएगा नेक्स्ट वीक। एंड पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे कि आप बेसिक मेकअप वीडियोस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। So yeah, without any further ado, now let's jump into the video. Also, I have recorded this cute makeup look, जो है बाबी मेकअप लुक, बिकॉज मेरा आउटफिट भी पिंक है, मेकअप भी पिंक है। सो अभी बारबी मूवी आने वाली है, एंड दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस क्यूट मेकअप लुक जो मेरे ऑलरेडी फीड पे अपलोडेड है, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम। सो इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, देन प्लीज गो अहेड एंड चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड अब हम बात करते हैं कि आपको मेकअप वीडियोज कैसे रिकॉर्ड करनी है। बेसिकली आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, यू डोंट नीड अ फैंसी कैमरा और अ फैंसी रिंग लाइट आई वुड से, बिकॉज मैंने जब ब्यूटी कंटेंट स्टार्ट करा था मैंने सिर्फ विंडो के सामने बैठकर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था। एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू ओनली नीड अ ट्राइपॉड। अगर आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है ना, डोंट वरी, आप एक स्टैंड बना लो। लाइक मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी एक फोन कहीं रख दो, बिकॉज उससे क्या होता है कि फोन का जो एंगल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मोबाइल फोन, अगर मैं फोन ऐसे रख देती हूँ तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो इससे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका फेस आता है ना वो क्लियर नहीं आता। सो अगर आप फोन कहीं पर रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विंडो के सामने रख रहे हैं, यू नीड टू फोकस वन थिंग कि आप जो स्टैंड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शूज के बॉक्स का या फिर बुक्स रखने पे जो भी आप स्टैंड बना रहे हैं, उसे प्लीज इस टाइप से बनाना कि फोन आपका स्ट्रेट रखा रहे, बिकॉज आप जब वीडियोज रिकॉर्ड करते हो तब आपका फेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए कैमरा पे। सो आपका बेसिक ट्राइपॉड रेडी हो चुका है, यू डोंट नीड एनी फैंसी ट्राइपॉड। नाउ आप अपना फोन वहां पे रख सकते हैं। कमिंग टू फोन, फोन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस फोन में इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सी फोन आप कोई भी इन्वेस्ट करिए, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आईफोन ही लेना है। मैंने स्टार्ट करा था रियलमी से, यू गाइज ऑलरेडी नो। लाइक जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं रियलमी XT से कब से वीडियोज बना रही थी। मैंने अभी रिसेंटली स्विच करा है आईफोन में और कैमरा में। बट इन केस इफ यू डोंट हैव ऑल दीज इक्विपमेंट्स, डोंट वरी, यू हैव वीवो और ओप्पो और रियलमी, आपके पास जो भी फोन है आप उससे बना सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू मेक फ्रॉम द बैक कैमरा ऑफ योर फोन, बिकॉज बैक कैमरे से जितनी अच्छी क्वालिटी रिसीव होती है उतनी आपको फ्रंट कैमरे में नहीं मिलेगी। ऑल्सो बैक कैमरे में आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आई विल टेल यू। दिस इज माई टेबल, लाइक दिस इज माई मिनी टेबल जहाँ पे मैं जो मैं सामने रखती हूँ। दिस इज माई टेबल मिरर जो मैंने Amazon से मिनीसो से परचेज करा था। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ वॉट आई डू वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक ईजी आइडिया मिल सके कि मेकअप वीडियोज कैसे रिकॉर्ड करना है बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरे से ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट इनकेस अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा या फिर कोई अच्छा फोन नहीं है, अगर आपके पास कैमरा है तो फिर आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं आगे, बिकॉज कैमरे में इन सब की नीड नहीं है। तो अगर आप आईफोन से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं जब आईफोन से भी रिकॉर्ड करती हूँ या फिर मैं जब रियलमी से भी रिकॉर्ड करती थी तो मैं मोस्टली ट्राई करती थी बैक कैमरे से। एंड जब से मैंने आईफोन में स्विच करा है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं बैक कैमरे से ही रिकॉर्ड करूँ। सो दिस इज माई टेबल एंड दिस इज माई मिरर। मैं शायद थोड़ा पीछे हो जाती हूँ ताकि इस टाइप से मैं आपको बता सकूँ कि मैं वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। सो दिस इज माई टेबल, दिस इज माई मिरर। अब यहाँ पे आता है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड में अभी मेरा कैमरा लगा है ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं अभी नहीं निकाल सकती हूँ। ट्राईपॉड यहाँ पे आता है और ये मेरा रहता है फोन। फोन का जो कैमरा है, लाइक फोन में जब मैं कैमरा ओपन करती हूँ वो मेरे मिरर में दिखता है, तो मुझे मिरर में मेरा फ्रेम दिख रहा है। सो दैट्स हाउ आई रिकॉर्ड। एंड यहाँ पे मैं आती हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो फ्रेम आ रहा है इसमें मेरा इतना फेस आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट होती हूँ। एंड सेम यू नीड टू डू, आपको सिर्फ एक टेबल मिरर चाहिए छोटा सा। सेम मैं फैशन वीडियोज भी बनाती थी। फैशन वीडियोज के लिए मैं क्या करती थी कि मिरर थोड़ा आगे रखती थी, उसके बाद मैं ट्राईपॉड बैक कैमरे से, ताकि थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये आइडिया लग जाए कि फ्रेम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑल्सो माई वॉलपेपर इज बी, सो BTS आर्मी प्लीज से हाई है।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप फैशन वीडियोस बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप टेबल मिरर रखेंगे, फिर आप ट्राइपॉड रखेंगे, उसके बाद आप पीछे जाएंगे तो आपको बैक कैमरे में सिर्फ थोड़ा सा नज़र लगता जाएगा कि आपका जो फ्रेम आ रहा है उससे आप कट तो नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अलग जा रहे हैं या फ्रेम अलग जा रहा है। टेबल मिरर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ हो रहा है। सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि आपको बैक कैमरे से कैसे रिकॉर्ड करना है। अनदर मेजर पॉइंट जो आप ब्यूटी में ऐड कर सकते व्हाइल मेकिंग मेकअप वीडियोस, जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इज ऑफ कोर्स बैकग्राउंड लाइट्स, बिकॉज एज यू कैन सी इट्स अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड फॉर मी। लाइक करेंटली मैं अपने स्टूडियो में अभी कुछ भी प्लान नहीं कर रही हूँ कि मुझे कैसा स्टूडियो प्लान करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। मैं मेकअप में आ चुकी हूँ, मुझे पता है मेकअप में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ता है, इसलिए मैं स्टूडियो में इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ फॉर श्योर। तो आई ओनली नीड वन वाइट वॉल, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिर्फ एक वाइट वॉल चाहिए है, एंड दैट इज अ वाइट वॉल जो आपके घर में फॉर श्योर मिल जाएगी। इनकेस अगर आपके पास वाइट वॉल नहीं है तो फिर आप कोई भी प्लेन वॉल से काम चला सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, बैकग्राउंड से बहुत फर्क पड़ता है आपके मेकअप पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल करेंटली मैं ये वाइट बैकग्राउंड पे, बट अगेन अगर मैं किसी डार्क बैकग्राउंड पे शिफ्ट होती हूँ तो मेरा फेस और ज्यादा हाईलाइट होता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई स्किन कलर एंड ऑल्सो सारी चीजें मैटर करती है यहाँ पे। बट अगेन आई एम यूजिंग दिस वाइट बैकग्राउंड, अब मैं कुछ भी बैकग्राउंड में यूज नहीं कर रही हूँ। एज यू कैन सी आप भी कुछ भी यूज नहीं कर सकते, बट यू नीड टू मेंटेन वन थिंग दैट इज लाइट। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ RGB लाइट, दैट इज रेड कलर लाइट, एंड आई कैन चेंज दैट लाइट इन एवरी वीडियो। लाइक जो मैंने लास्ट AS टॉक अपलोड करा था उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर जो था वो ग्रीन रखा था, इज बिकॉज ऑफ द मेकअप एंड द आउटफिट। आज जो मैंने डिसाइड करा है इज ऑफ कोर्स रेड, मेरे पास पिंक अवेलेबल नहीं था। आई जस्ट शो यू व्हाट दिस लाइट एग्जैक्टली इज। सो दिस इज व्हाट RGB लाइट इज, ये है डिजिटेक की, ये मैंने Amazon से खरीदी थी। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस फॉर अ सेकेंड। सो एज यू कैन सी द बैकग्राउंड इज नाउ टोटली प्लेन, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी थोड़े बहुत हाईलाइट्स मिल रहे थे। सो दिस इज द डिजिटेक लाइट जो मैंने Amazon से खरीदी थी। ये थोड़ी सी कॉस्टली आई नो, बट ये बहुत अच्छी है बिकॉज दिस इज हैंडी पोर्टेबल। मैं यूजली मेकअप शूट्स में इसे ही लेकर जाती हूँ। दिस वन इज फॉर रुपीज आई गेस 3000 और 4000 समवेयर इन बिटवीन। इसमें आपको रेड ग्रीन ब्लू प्लस व्हाइट येल्लो का मिक्सचर मिलता है। सो दिस इज रेड कलर, ये सबसे लोएस्ट में है अभी, एंड This is the highest, I guess. This is the highest. Yeah, this is the highest. This is red. This is white and yellow. Mix of white and yellow. This is blue. And this is again red. But I guess इसमें green color भी था, if I am not wrong. Okay, तो हम इसे side में रखेंगे। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस, अभी मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन है। आपने बहुत सारी मेकअप वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में कलर्स मिलते हैं, एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि बैकग्राउंड में कैसे कलर ऐड करना है। सो आई टेल यू वन सिंपल ट्रिक, आपको कोई भी RGB लाइट लेनी है, लाइक कोई भी RGB लाइट। इनकेस अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो जस्ट गो विद 200 और 250 RGB लाइट। मैंने वो भी परचेज करी एंड वो भी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। द ओनली डिफरेंस इज इसको आपको कहीं कनेक्ट नहीं करना पड़ता, दिस इज चार्जेबल, तो इसे आप चार्ज करके यूज कर सकते हैं। एंड मेरे पास जो वो 250-300 वाली थी उसे आपको प्लग इन करना पड़ेगा ऑब्वियसली यहीं पे, तभी आप यूज कर सकते हैं। सो इसलिए मैं अभी यही वाली यूज कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे ये रेड कलर यूज करा है। आपको बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि उसे कैसे लाइट को रखना है। आपको इस टाइप से रखना है, लाइक नीचे मैं आपको आपको बताऊं और अच्छे तरीके से। आई जस्ट टेल यू मैंने क्या जुगाड़ करा है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू मिल सके। सो दिस इज माय मेकअप वैनिटी और ये है मेरा साउंड बॉक्स, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था रखने के लिए। दिस इज द लाइट और ये मैं यहाँ पे टिका के रख रही हूँ। एंड जो बैकग्राउंड में कलर ऐड हो रहा है इज दैट पिंक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड नाउ यू कैन सी माय बैकग्राउंड कलर हैज सम लाइट्स जो कि अब डेफिनेशन ऐड कर रही है मेरी ओवरऑल वीडियो में। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक ब्यूटी कंटेंट। लाइक ब्यूटी कंटेंट के लिए सिंपली आपको ये 2 से 3 चीज़ें चाहिए एंड दैट्स इट, योर ओवरऑल मेकअप एस्थेटिक इज रेडी। लाइक आपके पास एक रिंग लाइट होनी चाहिए बैकग्राउंड में रखने के लिए, एक RGB लाइट होनी चाहिए, एक टेबल मिरर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कैमरा फोन एनीथिंग विल वर्क। सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि आपको बैकग्राउंड के लिए एग्जैक्टली कैसे क्या यूज करनी है चीजें। नाउ कमिंग टू द रिंग लाइट, रिंग लाइट के लिए आई गेस एवरीवन नोस कि मैं कौन सी रिंग लाइट यूज कर रही हूँ। यूजिंग द डिजिटेक रिंग लाइट 18 इंच वाली जो मैंने Amazon से परचेज करी थी, एंड इसमें आपको 3 कलर शेड्स मिलते हैं, व्हाइट, ऑफ व्हाइट प्लस टोटली येलो, एंड आई एम यूजिंग द ऑफ व्हाइट शेड राइट नाउ। एंड मैं कैमरे में डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बट इनकेस अगर आप फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भी ये रिंग लाइट बहुत अच्छी काम करती है। लाइक ये रिंग लाइट मेरी फर्स्ट और लास्ट रिंग लाइट है। अगर आप 4000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, देन आई हैव गिवन सम ऑफ द सजेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो 1500 प्लस पैनल लाइट 2500 में आपको मिल जाएगी। पैनल लाइट इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, यू गाइज ऑलरेडी नो कि मुझे पैनल लाइट कितनी ज़्यादा पसंद है। कमिंग बैक टू द मेकअप थिंग, लाइक वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर ओवर द इक्विपमेंट्स राइट नाउ, बिकॉज अगर मैं इक्विपमेंट्स में आ गई तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो कमिंग टू द मेकअप,
बेसिक मेकअप वीडियो आपको रिकॉर्ड करना आ गया है. लाइक आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द फ्रेम्स. ये जो फ्रेम है यूट्यूब वाला, इसको बोलते हैं 16:9 फ्रेम, बिकॉज ये आपका लैंडस्केप में आता है. अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियोस लैंडस्केप में रिकॉर्ड करना, तो फिर आपको फोन इस तरीके से रखना पड़ेगा. आप इस साइड से भी वीडियो एडिट करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी. यूट्यूब पे तो आपको ऐसे ही रिकॉर्ड करनी है लैंडस्केप में. कमिंग टू रील्स एंड शॉर्ट्स, आपको रिकॉर्ड करना है इस टाइप में, दैट इज 9:16 फ्रेम में. दिस इज पोर्ट्रेट मोड. जब आप इस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज पोर्ट्रेट जो 9:16 फ्रेम में है. मैं डायरेक्टली फोन के कैमरा से रिकॉर्ड करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम एप्लीकेशन, बिकॉज उसमें क्वालिटी डिक्रीज बहुत ज्यादा होती है. सो नेवर एवर यूज एनी एप्लीकेशन, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी. ऑलवेज यूज मेन कैमरा ऑफ योर फोन, वो ज्यादा बेटर रहेगा. एंड आपको सिर्फ कैमरा खोलना है, मिरर में देख के फ्रेम चेक करना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिकॉर्ड. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब में आपको इस टाइप से रिकॉर्ड करना है. आप इंस्टाग्राम पे भी इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उसको फिर रोटेट कर सकते हैं 9:16 फ्रेम में. आपने मेरी मेकअप वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ लैंडस्केप मोड में, बट उसे अपलोड करती हूँ 9:16 में. मैं यहाँ पे एक एडिटिंग का क्लिप जरूर मेंशन करूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आप कैसे मेकअप वीडियोस को एडिट कर सकते हो. कि आपको नॉर्मल वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे उन्हें एडिट करना है. कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने मेकअप शॉट्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल जो सिर्फ इतने शॉट लिए जाते हैं, या फिर सिर्फ लिप्स के, या फिर आई मेकअप के, या फिर कॉन्ट्योर करते समय, ब्लश करते समय हाईलाइट होते हैं, उसके लिए आपको जूम इन और जूम आउट प्लस क्रॉप का ऑप्शन यूज करना है. मेरे पास कैमरा है, सो आई कैन सिंपली जूम इन एंड ये फोकस हो गया है मेरे आई पर. बट अगर आपके पास कैमरा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास कैमरा नहीं होगा, यू नीड टू यूज द जूम फीचर ऑफ योर कैमरा. आई विल जस्ट टेल यू, मैं यहाँ पे फोन में कैमरा ओपन करती हूँ. दिस इज माई मेकअप, दिस इज माई बैक कैमरा, एंड इसे मैं जूम करूंगी इस टाइप से. सो दिस इज 3x, आई गेस 3x इज द हाईएस्ट इन आईफोन, और मैंने 3x में ही रिकॉर्ड करा है. नाउ आपको फोन इस टाइप से रखना है ताकि आपका सिर्फ आई यहाँ पे कैप्चर हो सके. आपको फ्रंट में सेम टेक्निक यूज करनी है. यहाँ पे मेरा टेबल मिरर है, यहाँ पे मुझे फोन रखना है और यहाँ पे मैं उसका फ्रेम चेक करूंगी. एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे एक आई रिकॉर्ड हो रहा है. एंड सिंपली आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं मिनी मिनी क्लिप्स. आपको पूरा वीडियो एक बार में रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज इससे आपका स्पेस भरेगा, आपके फ़ोन में स्पेस वैसे ही कम रहेगा. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अगर आप आईफोन में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, आपको अपना डिसीजन फिर से सोचना पड़ेगा, बिकॉज इसमें स्पेस का इशू है. इसमें क्वालिटी कंटेंट आपको मिले, बट इसमें स्पेस का बहुत इशू है. सो आप जब भी कोई वीडियो इसमें क्रिएट करते हो, उसको तुरंत एडिट करके डिलीट कर देना पड़ता है. मैं यही ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ. इसके अलावा मैं क्लाउड यूज़ करती हूँ, बट अगेन उसमें वीडियोज इतने जल्दी अपडेट नहीं होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो भी. सो या मेरे पास लैपटॉप नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक. तो आपको छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं अपने वीडियोस के. लाइक मैं यूजली क्या करती हूँ कि अगर मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो अगर मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो उस ड्यूरेशन में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी. अगर मैं लिप्स कर रही हूँ तो मैं लिप्स का वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी. का वीडियो एडिट करते टाइम मैं छोटी छोटी सी क्लिप ले लूंगी, 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, 1 सेकंड की, ताकि वो जो वीडियो मेरा पूरा रिकॉर्ड हुआ है, वो पूरा मैं 1 मिनट के अंदर यूज कर सकूँ रील्स में. तो रील्स में अगर आपको यूज करना है,
90 सेकेंड तक का वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग एडिट करना है। अगेन आई एम सेइंग दिस, आप पूरा वीडियो एक बार में रिकॉर्ड मत करना, अदरवाइज एडिट करते टाइम आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। हमेशा क्लिप्स में रिकॉर्ड करो मेकअप वीडियोस, और उसके बाद एडिट करते टाइम छोटे छोटे से पार्ट्स उसके लो और फिर आप एडिट करके उसे अपलोड करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ऑलवेज यूज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। यस, आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो, आपको बेसिक मेकअप वीडियोज कैसे रिकॉर्ड करने हैं उसका एक आइडिया लग गया होगा। ऑल्सो द सेकेंड पार्ट विल बी द लिरिकल वन, मैं लिरिकल मेकअप वीडियोज कैसे रिकॉर्ड करती हूँ और आप कैसे उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स इन मेकअप क्रिएशन वीडियोस, लाइक मेकअप कैसे रिकॉर्ड करना है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, आई रियली होप यू एंजॉय माय टुडेज सेशन एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।